हेलो फ्रेंड्स, हेयर यू वॉचिंग इंग्लिश विद जीनत। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ मच एंड मनी की, कि मच और मनी कहाँ कहाँ यूज़ होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मच एंड मनी, मच एंड मनी का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कितना और कितने के लिए यूज़ होता है। मच होता है अनकाउंटेबल और मनी होता है काउंटेबल। अब बताते हैं कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल। मैनी, मैनी किस किस चीज़ के लिए होता है, बुक्स, कार, पीपल, बॉयज़ एक्सेट्रा, ये काउंटेबल है। और मच टाइम, वाटर, ट्रबल, एक्सपीरियंस, वाटर अनकाउंटेबल है, कि मच बॉयज़। मैनी काउंटेबल, उसने कई सवाल पूछे, मतलब कोई कह रहा है कि उसने कई सवाल पूछे। ही आस्क मैनी क्वेश्चन, ही आस्क मैनी क्वेश्चन। कई लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, मैनी पीपल वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, कि कई लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, मैनी पीपल वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैनी पीपल वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं यहाँ कई बार आया हूँ लेकिन अभी भी मुझे इन रास्तों पर उलझन होती है। आई हैव कम हेयर सो मैनी टाइम्स बट दिस रोड स्टिल कन्फ्यूज मी, मतलब कई बार आया हूँ और फिर भी मैं ये कन्फ्यूज़न हो रही है। मैनी इसलिए यूज़ होगा, उसे पता है कि कितनी बार आया है वो। आई हैव कम हेयर सो मैनी टाइम्स बट दिस रोड स्टिल कन्फ्यूज मी, मैं उससे पहले कई बार मिला हूँ। आई हैव मेट हिम मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स भी कह सकते हैं या मैनी टाइम्स बिफोर। आई हैव मेट हिम मैनी टाइम्स या मैनी टाइम्स बिफोर। कितने वर्षों से इंतज़ार में हूँ, मैं हूँ। हाउ मैनी ईयर्स आई हैव वेट फॉर, ये भी उसे पता है कि वो कितने वर्षों से वो इंतज़ार कर रहा है, कितने वर्षों से मैं इंतज़ार में हूँ। हाउ मैनी ईयर्स आई हैव। फल कई तरह के होते हैं, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। फल कई तरह के होते हैं, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स का भी पता होता है कि कितने तरह के होते हैं, इसलिए ये यूज हुआ है। तुम दिल्ली में कितने दिन रुकोगे, हाउ मैनी डेज विल यू स्टे इन दिल्ली। तुम दिल्ली में कितने दिन रुकोगे, हाउ मैनी डेज विल यू स्टे इन दिल्ली। तुम कितनी बुक पढ़ते हो, हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड। इस चीज़ का भी पता है कि तुम कितनी बुक पढ़ते हो, पूछ रहा है कोई। यू हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड, तुम कितनी बुक पढ़ते हो, हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड। तुम्हारे पास कितनी कारें हैं, हाउ मैनी कार्स डू यू हैव, ये भी कोई पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कितनी कार हैं, तो उसके लिए भी काउंटेबल है, हाउ मैनी कार्स डू यू हैव। तुम्हें कितनी भाषाएं आती हैं, हाउ मच लैंग्वेज डू यू नो, कि तुम्हें कितनी भाषाएं आती हैं, हाउ मैनी लैंग्वेज डू यू नो। वहाँ कितने लोग आ रहे हैं, हाउ मैनी पीपल आर कमिंग देयर, ये भी पूछ रहा है कि बताओ कि कितने लोग आ रहे हैं वहाँ। तो इस सेंस में ये यूज हुआ है, हाउ मैनी पीपल्स आर कमिंग देयर। तुम्हारे पास कितने पेन हैं, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, मतलब वो भी पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कितने पेन हैं, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, वो कह देगा दो तीन। इस मकान में कितना खर्च आया, हाउ मच डिड द हाउस कॉस्ट यू, इस मकान में कितना खर्च आया, हाउ मच डिड द हाउस कॉस्ट यू, कितना खर्चा आया इस मकान में। वो करेगा 1 लाख 2 लाख ऐसे करके वो आंसर देगा। क्या भारत के लोग फल बहुत खाते हैं, डू पीपल इन इंडिया ईट मच फ्रूट, क्या भारत के लोग फल बहुत खाते हैं, डू पीपल इन इंडिया ईट मच फ्रूट, ये वे भी आंसर में दे सकते हैं, यस बहुत खाते हैं। इस तरह से उसे बहुत समय लगेगा, इट विल टेक मच टाइम, उसे बहुत समय लगेगा, इट विल टेक मच टाइम, इट विल टेक मच टाइम, कि उसे बहुत ही समय लगेगा अभी। मैं आजकल ज़्यादा बाहर नहीं जाता, आई डोंट गो आउट मच दिस डेज, मैं आजकल ज़्यादा बाहर नहीं जाता, आई डोंट गो आउट मच दिस डेज। अब ये मच का यूज़ करेंगे, हाउ मच कैसे यूज़ होगा, कूलर में कितना पानी है, हम पता नहीं है कितना पानी है, तो उस सेंस में हम पूछेंगे हाउ मच वाटर इनटू द कूलर, हाउ मच वाटर इनटू द कूलर।
इस फ़ोन की कीमत कितनी है, हाउ मच इज़ द प्राइस ऑफ द फ़ोन। ये भी अनकाउंटेबल है, किस सेंस में यूज़ हो रहा है, हाउ मच इज़ द प्राइस ऑफ द फ़ोन, के इस फ़ोन की कीमत कितनी है। आपके पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव, तो उसका आंसर क्या आएगा, आई हैव 200 रुपीज़, ऐसे करके उसका आंसर आएगा। हाउ मच मनी डू यू हैव, मच इसलिए यूज़ हुआ है, अनकाउंटेबल है। आपके पास कितना काम है, हाउ मच वर्क डू यू हैव, आपके पास कितना काम है, हाउ मच वर्क डू यू हैव। तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव चेंज मच, मतलब वो कह रहा है कि तुम अब बहुत बदल चुके हो, तो उस सेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, यू हैव चेंज मच, तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव चेंज मच। मुझे ये पसंद है, आई लाइक दिस वेरी मच, मुझे ये पसंद है, आई लाइक दिस वेरी मच, कि मुझे ये बहुत पसंद है, कोई भी चीज़ आ जाती है पसंद तो उस सेंस में यूज़ होगा। वे बहुत बोलता है, ही टॉक्स टू मच, कहना है उससे कि वो बहुत बोलता है, तो उस सेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, ही टॉक्स टू मच। तुम बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हो, यू स्मोक टू मच, तुम बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हो, यू स्मोक टू मच। वे बहुत प्रसन्न था, मतलब वे बहुत खुश था, ही वॉज मच टू हैप्पी, वे बहुत प्रसन्न था, ही मच टू हैप्पी। मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब उसे बहुत अच्छा लग रहा है, तो उस सेंस में क्या यूज़ होगा, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, मैं तुम्हारे स्वभाव से प्रभावित हूँ, कि उसे पता है कि कैसे स्वभाव है, तो उस सेंस में यूज़ करेंगे हम, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई योर नेचर, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई योर नेचर। आपको कितनी सैलरी मिलती है, हाउ मच सैलरी डू यू गेट, वो पूछ रहा है इस सेंस में भी कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, हाउ मच सैलरी डू यू गेट, वो कह सकता है 10,000 20,000 इस सेंस में। मुझे उन दोनों को कितना दाम देना पड़ेगा, कोई भी चीज़ होगी वो दान देने के कपड़े या किसी भी सेंस में वो पूछ रहा है कि कितना देना पड़ेगा, तो उसके सेंस में हाउ मच आई हैव टू पे फॉर दिस। आपके पास कितना समय है, हाउ मच टाइम डू यू हैव, इस सेंस में पूछ रहा है वो किस आपके पास कितना समय है, हाउ मच टाइम डू यू हैव। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होगी वीडियो, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं तो वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि वह अच्छे से समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।